कुछ समय से उत्पाती बने बंदरों को मारने के लिए किसानों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई जाने पर वन विभाग के वर्निंग तहसील में तिथि को बढ़ा दिया गया है ताकि बंदरों की समस्या से निजात मिल सके। लेकिन बंदरों की नासूर बनती जा रही समस्या से निपटने के लिए 31 मार्च 2019 तक बंदरों को मारने के लिए तिथि को बढ़ा दिया गया है। हमीरपुर में वन्य प्राणी विंग के अरण्यपाल प्रदीप ठाकुर ने बताया कि वर्निंग तहसीलों में बंदरों को मारने के लिए इनाम की राशि भी रखी गई थी, लेकिन बंदरों को बहुत कम मारने की रिपोर्ट आई है जिससे समस्या बनी हुई है। साथ ही विभाग जल्द ही बंदरों के आक्रामक होने पर भी सर्वे करवा कर पता लगाएगा कि आखिर बंदर क्यों लोगों पर हमला कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में बंदरों की संख्या 2,27,000 है और 2017 में 2,07,000 बंदर की गिनती हुई थी। 1,40,000 बंदरों की नसबंदी की जा चुकी है, तो इस साल भी 20,000 बंदरों की नसबंदी करने का टारगेट पूरा किया जा रहा है। विभाग का दावा है कि अगर नसबंदी ना की जाती तो बंदरों की संख्या 6 लाख से ज्यादा हो जाती। वहीं अब बर्मिंग घोषित 36 तहसीलों में भी बंदरों के नहीं मारे जाने पर बंदरों की तादाद बढ़ने का कारण बनती जा रही है। वन्य प्राणी विंग के अरण्यपाल प्रदीप ठाकुर ने कहा कि वन्य प्राणी विभाग सर्वे करवाकर बंदरों के व्यवहार में परिवर्तन का पता लगाएगा ताकि पता लगाया जा सके कि बंदर इतने आक्रामक क्यों होते जा रहे हैं जिस कारण बंदर लोगों पर आए दिन हमला बोल रहे हैं। 2016-17 में सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ली थी, लगभग 38 तहसीलें जो हैं हिमाचल प्रदेश की वो बंदरों को मारने के लिए ओपन की थी। बंदर उन पंचायत तहसीलों में बंदरों को बर्मिन डिक्लेयर किया था और उसमें जो जमींदार है या कोई भी आदमी बंदर मार सकता है और सरकार ने एक बंदर मारने के लोगों को 500 रुपये इनाम भी रखा है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी पूरे प्रदेश में अब तक बहुत कम कोई 5 बंदर मारने की जो सूचना है वो ही मिली है। बंदर मारने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं और एक साल के लिए अब फिर 31 मार्च 2019 तक सरकार ने ये जो समय अवधि थी बर्मिन डिक्लेयर के बंदरों को मारने की 31 मार्च 2019 तक एक्सटेंड कर दी है। बंदरों की जो संख्या है 2013 में जो सेंसस हुई थी उसके मुताबिक लगभग 2,27,000 बंदर हिमाचल प्रदेश में काउंट किए थे हॉटस्पॉट्स पे, और 2017 में लगभग 2,07,000 बंदर जो है वो काउंट हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि 2013 और 15 के बीच में जो हमारा मंकी स्टालिनेशन प्रोग्राम है उसका इफेक्ट जो है वो नजर आने लगा है। बंदरों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है और अगर हम ये देखें कि अगर ये स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम नहीं होता जिसमें अभी तक पूरे प्रदेश में 1,40,000 बंदरों की नसबंदी की जा चुकी है और इस साल भी 2018-19 में 20,000 बंदर को नसबंदी करने का जो टारगेट है वो फील्ड के डिवीजनों को मिला है, तो अगर हम ये देखें कि अगर 1,40,000 बंदर हमने स्टरलाइज किए हैं अगर ये नहीं होते तो लगभग 3 लाख बंदर अभी तक और बढ़ जाने थे और लगभग इस वक्त 6 लाख बंदर जो है हिमाचल प्रदेश में हो जाने चाहिए थे। लेकिन ये जो स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम हिमाचल सरकार ने वन विभाग ने शुरू किया है इसका जो असर है बंदर की पॉपुलेशन पे वो नजर आने लगा है और आने वाले टाइम में इनकी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज हो जाएगी, इतनी ही पॉपुलेशन जो है बचेगी जितनी कर हमारी जो कैपेसिटी है नुकसान सहने की उतना। हाँ, ये जो बंदरों का नसबंदी कर रहे हैं उसमें ऐसा पाया गया है कि जब नसबंदी करने के बाद बंदरों को जंगल में छोड़ते हैं तो जो उनका जो बिहेवियर है उसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं। कई जगह से आई हैं ये रिपोर्ट के कई जगह खूंखार बंदर हो गए हैं, डरते नहीं हैं, तो उसके लिए वन विभाग जो है एक व्यापक जो एक स्टडी है वो करवाएगा ताकि इनका जो बिहेवियर पैटर्न है उसमें चेंज आ रही है, क्यों आ रही है, क्या किया जा सकता है, इसको कैसे चेंज किया जा सकता है वो कराने जा रहा है।